दोस्तों अभी हम लोग घर के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए गाड़ी तो यहीं खड़ा करना पड़ेगा, घर तो बहुत अंदर है, तो अभी चले पहले गाड़ी को लॉक करते हैं पूरा। दोस्तों उड़ीसा में जहाँ जाना था हम लोग को, तो यहाँ ज्यादा दूर तो नहीं है, 500 किलोमीटर है। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम और सौरभ आ गए घर के पास कि अभी देखने के लिए आए कितना काम हो गया। अभी भी दोस्तों देखेंगे तो बहुत काम बाकी है। ये देखिए सीढ़ी अभी प्लास्टरा पूरा नहीं हुआ है। अब दोस्तों हम लोग अपने छत पे आ चुके हैं, तो ये सब अभी दोस्तों पूरा रस्टिक हो गया है। ये देखिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे व्लॉग में आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और हम लोग करीब रामगढ़ के पास में ही है। अभी रामगढ़ यहाँ ज्यादा नहीं, 15-20 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो पिछला व्लॉग में देखे थे कि हम लोग जामतारा से निकल गए थे रामगढ़ के लिए, तो अभी क्या था कि रात में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। वहाँ से हम लोग रात में निकले थे जामतारा से, बोकारो में रुक गए थे, फिर बोकारो चले सुबह हम लोग, तो अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ का मौसम देख रहे थे थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे अभी, तो अभी लोग निकल रहे घर के लिए और यहीं पर रुके देख सकते हैं सामने पेट्रोल पंप है। तो यहाँ फ्रेश वेश सब हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ में। दोस्तों ये देखिए ब्रिज है सामने, तो ये बाईपास का है। ये सीधा सीधा पहले हम लोग जाते थे अंदर रामगढ़ के लिए, यहाँ ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर रामगढ़ सिटी बचा हुआ है। तो ये अब इधर मुड़ते हैं तो रांची चले जाते हैं और इधर मुड़ते हैं तो ये हजारीबाग पटना वाला रोड हो जाता है। तो मेरे में ये दिक्कत है, जब से हम कंटेनर चला रहे हैं तब से हम ये सिटी होकर पार नहीं हुए हैं। हालांकि रात में नॉन्ट्री नहीं जाता है, सुबह 7 बजे लग जाता है नॉन्ट्री, तो अंदर में सिटी है, चट्टी बाजार वगैरह है, तो हम कभी ट्राई नहीं किए क्योंकि हाइट गाड़ी है मेरा, तो तार वगैरह ही बहुत है। तो आज मेरा प्लानिंग हुआ था कि हम सुबह सुबह घुसने के लिए, लेकिन फिर हम मन में सोचे पता नहीं तार उर लगेगा, तो आज हम आएंगे रामगढ़ बाइक से आएंगे और रास्ता को देखेंगे थोड़ा कि मेरा गाड़ी इसमें पार होगा कि नहीं। अगर हम इधर से जाते हैं ना तो हमको किलोमीटर बहुत कम पड़ेगा, लेकिन ये बाईपास थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा तो ये सफ़र थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। देखेंगे मेरा गाड़ी अगर पार हो जाएगा तो इसी रोड से मेरा आना जाना रहेगा। अभी देखिए बाईपास के लिए घूम गए, ये हमारा बाईपास चालू हो गया, ये सीधा मतलब पटना रोड हो गया आपका, बरही पटना जाने वाला। दोस्तों ये बाईपास बनने से तो फायदा ही हुआ है क्योंकि पहले हम लोग घर के सामने से ही पूरा सब गाड़ी जाता था, ट्रक वगैरह सब कुछ, लेकिन अब बाईपास बन गया तो अच्छा है, वो लोग साइड से निकल जाते हैं और उधर छोटा छोटा गाड़ी बस चलता है। तो हम लोग तो रामगढ़ और रायपुर जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ गाड़ी का तो काम करवाते हैं। जैसे देखे थे पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो टायर चेंज करवाए थे, तो चलिए अब तो अभी आज तो कुछ काम नहीं है गाड़ी का, जो हुक का काम था वो हम लोग करवा लिए है, यही सबसे मेन काम था वो हो गया हमारा, अब तिरपाल को बस बदलना बाकी है। तो इस बार हम लोग जैसे रायपुर जाएंगे तो सबसे पहले तिरपाल को बदलेंगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा गंदा इधर से साइड से फटने भी लगा है अब पूरा। तो चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ है, हम लोग पहुँचते हैं घर। दोस्तों अभी हम लोग घर के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए गाड़ी तो यहीं खड़ा करना पड़ेगा, घर तो बहुत अंदर है, तो अभी चले पहले गाड़ी को लॉक करते हैं पूरा। दोस्तों घर के काम वगैरह देखना पड़ता है, इसे रुकना पड़ता है हम लोग को, अब देखते हैं आज दिन भर में कितना काम होता है और उसके बाद आज प्लानिंग हम लोग निकलने का, तो कोई और काम अगर बढ़ जाता तो ही हम रुक सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे तो निकलने का प्लानिंग है हम लोग का। दोस्तों उड़ीसा में जहाँ जाना था हम लोग को, तो यहाँ ज्यादा दूर तो नहीं है, 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर क्या सफर कोई खास नहीं रहेगा, 2 दिन में पहुंच सकते हैं हम लोग अगर सही रास्ता, जमशेदपुर होके ही जाना है, रास्ता तो कई है लेकिन हम लोग प्लानिंग हुआ है कि नहीं जमशेदपुर होकर के उड़ीसा, यहाँ से रांची, रांची जमशेदपुर, फिर अपना वहाँ से हाईवे पकड़ लेते हैं, वहाँ से उड़ीसा इन कर जाएंगे। तो ठीक दोस्तों जाते हैं, निकलते हैं घर अभी। दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं और थोड़ा रेस्ट भी करना है और मौसम तो भर बहुत ही खराब कर दिया, इधर बारिश भी हो रहा है, अभी हम गाड़ी से घर तक आ रहे थे तो बारिश तो लगभग चालू हो गया था। तो ठीक दोस्तों बारिश भी छूट जाएगा तो 1-2 घंटे बाद हम फिर बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडा लग रहा है अभी हम लोग को। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम और सौरभ आ गए घर के पास कि अभी देखने के लिए आए कितना काम हो गया, पापा तो अभी सोए हुए हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अभी तक कितना काम हो गया हमारे घर का। ये तो अभी रस्टिक चल रहा है इधर से पूरा, रस्टिक ही बोल देना, रस्टिक तो वही हो रहा है दोस्तों, देखिए इधर ये सब अभी हो रहा है, इसके ऊपर फिर कलर भी होगा, तो ये पानी से बचाने के लिए वही सब काम आता है, इसलिए ये हुआ है अभी। ये देखिए और आगे का बाउंड्री अभी यहाँ पे बनना बाकी है, और पीछे भी उधर घर तो बन ही रहा है, और यहाँ से फिर बाउंड्री आएगा यहाँ से और ऐसे चला जाएगा। अभी भी इधर हमारा जमीन कुछ खाली है, अभी तक उतना भी ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। ये टाइल्स वगैरह जो लग रहा है वही सब लगा है, बाथरूम में टाइल्स, अभी यहाँ का चौखट ये सब तो पहले ही लग गया था, टाइल्स का ही काम हुआ है सारा। ये देखिए बाथरूम में टाइल्स लग गया है, ये सब सौरभ भी पसंद किया है पूरा, ये ब्राउन वाला टाइल्स, इधर ब्लैक टाइल्स और बीच में ये गोल्डन स्ट्रिप गया है ये वाले बाथरूम में, और दूसरे फिर ऊपर में अलग अलग बाथरूम में लगा है। अभी भी दोस्तों देखेंगे तो बहुत काम बाकी है, ये देखिए सीढ़ी अभी प्लास्टरा पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा सीढ़ी को प्लास्टरा करना बाकी है, वायरिंग का काम थोड़ा बहुत हो गया है लेकिन नीचे से ऊपर तक पूरा सीढ़ी अभी बाकी है। और ये हॉल रूम भी वैसा ही है, पूरा बस पुट्टी हुआ है, यहाँ पे तो टाइल्स भी अभी नहीं लगा है, इसमें लगना बाकी है,
और बाकी सारा रूम में टाइल्स लग गया है, ये देखिए ये सब में लग गया है। अब पुट्टी तो सब में हो गया है, दो कोट तीसरा कोट बस बाकी है अभी, अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। इसमें अभी नहीं हुआ क्योंकि सारा सामान अभी यहीं पे आता है, सब कुछ रखा हुआ रहता है, टाइल्स कटिंग मसाला ये बालू, इसलिए ये वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर का तो आपको पहले भी दिखाए थे, और यहाँ बाथरूम का, बाथरूम में भी टाइल्स लग गया है उधर, बाकी वही सब अभी पड़ा हुआ है। ये देखिए ये बाथरूम में टाइल्स लगा है, ये भी अभी इतना हुआ है, अभी इसमें भी काम बाकी है थोड़ा, बाकी इधर तो पाइप वाइप सब रखा हुआ है। और अभी जो दोस्तों इतना काम बाकी है, हम तो सोचे थे फरवरी में कुछ 19 तारीख का पंडित जी डेट दिए थे कि 19 तारीख तक करवा लेंगे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद सीधा शायद 1 मार्च में डेट है, और उसके बाद अब सीधा फिर जून जुलाई पार करने के बाद, तो इतना तो फिर रुक नहीं पाएंगे, उसके बीच में तो काम चलेगा अपना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी 19 फरवरी में हम लोग अभी पूजा करवा लेंगे, मतलब पूजा वूजा जो है वो सब हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब रहने के लिए आएंगे, तो वही होगा एंट्री करेंगे हम लोग, एंट्री बाद मिलेंगे, पूजा पहले ही हो जाएगा, जैसे पूजा का मुहूर्त नहीं मिल रहा हम लोग को, तो 19 फरवरी को सोच तो रहे कि पूजा करवा ले, और एंट्री तो कभी भी काम कंप्लीट हो जाएगा तो होगा ही, तो देखते हैं क्या होता है। बीच में बस दोस्तों हम लोग थोड़ा काम स्लो हो गया था इसलिए इतना लेट हुआ, नहीं तो अभी तक तो घर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। चलिए फिर भी कोई नहीं, लेट से भी हो रहा है तो ठीक ही हो रहा, काम मतलब पूरा सब कुछ सही चल रहा है, कुछ खराब नहीं है। ये सभी बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ये सब में तो प्लास्तरा करने में भी टाइम लगता है पूरा, उधर भी पूरा डिज़ाइन है, अब हो जाएगा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। कोपला रहता है ना, तो प्लास्तर करने में भी, और फिर पुट्टी उट्टी होता है तो उसको हाथ घुसा घुसा करने में दिक्कत होता है, इसलिए सब में लेट हो गया। इधर चौखट अभी लग रहा है, इसके नीचे भी पूरा टाइल्स वाइल्स लग गया है, ये देखिए इधर भी टाइल्स लग गया, अरे चौखट अभी लग रहा है, ये सारा चौखट का भी काम कंप्लीट हो गया, इधर अभी बाकी है चौखट लगना। ये हमारा बाथरूम है, इसमें भी टाइल्स भी अभी नहीं लगा, इसमें भी टाइल्स भी लगेगा, चौखट भी। अभी तो दोस्तों पूरा काम देख लिया, लेकिन जो हमारे इंजीनियर हैं उनको आज मिलने के लिए बुलाए थे तो वो अभी आए नहीं है, तो वो बोल रहे हैं अब कल 10 बजे के आसपास आएंगे, तो कल उनसे मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जैसे तो प्लानिंग था कि रात में निकल जाए, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, वो जब आएंगे मिलेंगे तब निकल जाएंगे, वो बोले 10 बजे आ जाएंगे तो उसके बाद आलू निकल जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इसके आगे अभी भी थोड़ा टाइल्स कम पड़ गया तो वही लाने के लिए जा रहे हैं हम और सौरभ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रेनाइट देखने के लिए, ये देखिए कितना बड़ा गोडाउन है, तो ये भैया है, इन्हीं का दुकान है, तो अभी देखिए पसंद कर रहे हैं, बहुत सारा है तो पता ही नहीं चलता, भैया ही बताएंगे कौन सा सही रहेगा हमारे लिए। नहीं ठीक है, जैसे आप किचन टॉप के लिए देखना चाह रहे हैं तो आइए मैं कुछ प्रीमियम में आपको दिखाता हूँ, जो कि बाहर देश से भी हमारे यहाँ आता है, और कई तरह के डोमेस्टिक मार्केट का भी माल है जो कि आप लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से आपके किचन टॉप पे एक ये ग्रेनाइट आता है, ये देखिए गैलेक्सी ब्लैक होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसका बेस ब्लैक रहेगा, और इसमें देखिए कि आप ये शाइन करेगा, जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये ग्लिटरिंग होगा, ये चमकेगा एज ए गोल्ड। अच्छा ठीक है, तो एक ये जा सकते हैं अगर प्रीमियम में जाना है आपको, तो बाकी आइए और दिखा देता हूँ, इटालियन जेड ग्रीन, ये भी सुंदर स्टोन है, अभी लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो ये आप जब धूप रहेगा और देखेंगे तो इसमें आपको मतलब रियल आप नहीं इसको इमेजिन कर पाएंगे कि क्या चीज़ है, देखिए जैसे ग्लास जैसा एकदम ग्लो करेगा, मिरर लुक में, ये जेड ग्रीन इटालियन जेड ग्रीन ये लगा सकते हैं, बढ़िया है। अच्छा ठीक है, कौन सा अच्छा लग रहा तुमको? दोनों में से तो ब्लैक मना किया है ना, वो बोल रहे थे कि थोड़ा ब्लैक नहीं चलेगा वास्तु के लिए, ये ब्लैक नहीं है, ठीक है। अच्छा ये ब्लैक नहीं है, ठीक है, ये देखिए इसका बेस ग्रीन है, ठीक है, आप सामने से देखिए इसको, ये देखिए ये आपको थोड़ा ग्रीन टोन देगा, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे ब्लैक इसके सामने में दिखाता हूँ तो आपको ब्लैक समझ में आएगा, एक कलर ये भी जा सकते है, एक कलर ये भी है, ये पूरा एकदम डेनिम कलर में सुंदर लगेगा लगा हुआ, ये ब्लैक है ना? हाँ ये ब्लैक, जैसे ये ब्लैक आप देख रही है, ये हो गया जेड ब्लैक, ठीक है। अच्छा ये जेड ब्लैक हो गया। अभी दोस्तों भैया एक बात बता रहे थे कि जैसे कोई भी अगर ग्रेनाइट लेना है तो बताइए भैया, आप ही बता दीजिए। जैसे देखिए आप कहीं से भी कोई ग्रेनाइट लीजिए, ठीक है, एक तो ग्रेनाइट आपको नेचुरल लेना है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई ग्रेनाइट अगर लेने आता तो वो नया आदमी आता है जिसको ग्रेनाइट के बारे में टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसको पहचानने का है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कि किसी भी स्टोन का जो फ्रंट एरिया होता है, हाँ ठीक है, आप क्या करिए कि उसके जो साइड वाले एरिया होता है उस पर आप पानी मार के देखिए, ठीक है। अच्छा, आप जैसे पानी मार के देखिएगा ये जो फ्रंट का कलर होता है, हाँ 100% अगर ये कलर आता है, अच्छा ठीक है, उसमें तो वो समझ लीजिए कि नेचुरल होगा, ठीक है, फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ट्रीटमेंट करके दिखा देता हूँ, हमारा पानी ये देखिए, हाँ बस छोड़िए, देखिए ये इसका हो गया फ्रंट,
हाँ। और ये हो गया कॉर्नर, ठीक है हाँ, सही। और फिर आप एक इसके बैक साइड में भी देख लीजिए, आइए देखिए इधर बैक साइड देखिए, जिस जगह पर पानी पड़ा है वो आपको कलर आ रहा है। और दोस्तों ये वाला ग्रेनाइट देख सकते हैं, ये ट्रीटमेंट वाला है, तो इसके ऊपर हुआ है और इधर नहीं हुआ है, तो ये कलर और ये कलर पूरा डिफरेंस है। तो इसका फ्यूचर मतलब आगे चलकर ये कलर फेड होके ऐसा हो जाएगा, तो यही है, यही देख के थोड़ा लेना पड़ता है। तो दोस्तों ग्रेनाइट तो पसंद कर लिए हम लोग किचन के लिए, अभी टाइल्स देखने आए बाथरूम के लिए। इधर भी पूरा इधर तो पसंद किया सारा, ये वाला ना, ये हमारे हॉल में लगा था, बाकी और भी सारा है ये देख सकते हैं ये सब कुछ। चलिए जितना भी दोस्तों हमने लगाया है जॉनसन कंपनी का ही लगाया है, तो जॉनसन का बहुत अच्छा हमको लगा, ये देख सकते हैं जो साइनिंग आता है वो सबसे अच्छा, मतलब जॉनसन कजारिया भी चलता है ना अभी, कजारिया भी चलता है, लेकिन कजारिया क्या है कि उसमें थोड़ा सा वो टाइल्स थोड़ा हार्ड होता है, जिसमें क्या है कि ज्वाइंट में थोड़ा दिक्कत होता है। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुका है और हम गाड़ी में आए हुए हैं, थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट हुआ है, अभी करना पड़ता है ठंडा का मौसम है ना, थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट भी करना जरूरी है, तो ठंडा में भी खड़ा खड़ा अपने आप बैटरी मतलब डाउन भी हो जाता है। तो अभी सागर और सौरभ तो गया हुआ था मार्केट टाइल्स वगैरह देखने के लिए, पसंद करने के लिए, तो वो लोग आया वहां से टाइल्स पसंद करके, तब तक हम अपना घर पे जो काम हो रहा था वही देख रहे थे, तो टाइल्स वगैरह सब पसंद कर लिया है। आजकल तो नया नया मॉडल बहुत से चला हुआ है, तो पसंद किया, अच्छा लगा उन लोगों को भी, तो भी माल हम लोग अपना लगने वाला है घर पे, वही लगेगा अभी। दोस्तों काम तो हमारा थोड़ा स्लो चल रहा था, तो कारण था कि कुछ बीच में त्यौहार भी था, थोड़ा मौसम भी गड़बड़ चला था, उसके कारण थोड़ा काम स्लो चल रहा था, तो इंजीनियर से मिलना था, तो आज वो भी नहीं आए, वो भी कहीं काम में फंसे हुए थे, तो बोले कल आएंगे, तो कल हम लोग उनसे मिल करके फिर हम निकलने वाले यहाँ से, तो उनसे मिल लेते हैं, बाकी और सब क्या बताएंगे, वो डिजाइन वगैरह जो भी है वो सब मिलजुल के तब निकलेंगे, आज वो आए नहीं, इसलिए हम लोग आज हमारा काम नहीं हुआ, तो हमको रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ठीक दोस्तों अपना नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का हमारा सफर, तो कल हम निकलेंगे यहाँ से, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।